आप कोई भी खाना जब दिल से बनाते ना, प्यार से, दिल से, वो खाना बहुत ही ज़बरदस्त होता। सर्दियों का मौसम है, हम एक चिकन का रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। चिकन स्टू का रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत टेस्टी और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए ये रेसिपी आज शुरू करता हूँ। मेरा चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इधर देखिए, स्टू बनाने के लिए इधर हम थोड़ा बीन्स लिया हूँ और एक गाजर भी लिया हूँ। देखिए, बीन्स को इतना छोटा छोटा पीस में कट कर लेना है और गाजर को देखिए, एक गाजर को 4 पीस कर लेना है। करने का बाद में आपको जो इसको देखिए ऐसे साइड्स में आप कट कर सकते हैं। कट करके इसको छोटा छोटा पीसेस में बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता देखने के लिए और बहुत ही खूबसूरत लगता। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, मगर हम आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये कितना खूबसूरत लगता। हम आपको ही पहले ही बोला, कोई भी चीज़ आप दिल से बनाते ना और प्यार से बनाते वो चीज़ बहुत ही अच्छा बनता और आपका बहुत ही टेस्टी बनता। चलिए देखिए, गाजर को आपको इस तरह से कट कर लेना है, 2 साइड से आपको छोटा छोटा साइड से आपको निकाल लेना है। ये देखिए गाजर इस तरह से देखिए कट किया हूँ हम, ये स्टू में डालने के लिए परफेक्ट है। गाजर इसको ऐसे कट करके डालेंगे ना, देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा और खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। सेम आलू को भी इस तरह से कट कर लेंगे, एक आलू को 4 पीस कर लीजिए। करने के बाद में इसको भी ऐसे ही सेम गाजर जैसे कट किए आलू को भी इस तरह से कट कर लेना है। अब देखिए, आपको आलू भी दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा देखने के लिए। इधर कट भी हो चुका है, अब हम आपको दिखाऊंगा। देखिए गाजर और आलू जो है पूरा सेम बराबर, दोनों साइज में पूरा बराबर है। अब आप देखिए, पूरा जो वेजिटेबल्स है मेरा पूरा कट चुका है, बीन्स, आलू और गाजर, देखने के लिए कितना अच्छा लग रहा आप देख सक रहे होंगे। इधर देखिए, हम चिकन भी लिया हूँ। चिकन जो है 500 ग्राम करीब हम चिकन का यूज़ किया हूँ। पूरा जो है आपका लेग पीसेस है, लेग में थोड़ा कट इस तरह से लगा लेना है। स्टू जो बनता है आपका बोन चिकन रहेगा, तभी जो आपका स्टू बहुत ही अच्छा बनता और बहुत टेस्टी बनता है। ये पूरा लेग पीसेस है। अब देखिए, कुछ थोड़ा सा गार्लिक आपको लेना है, गार्लिक को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। गार्लिक जब स्टू में डालेंगे ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता। अब जब खाएंगे ना, आपको मुंह में जब गार्लिक लगेगा, उसका बहुत ही अच्छा टेस्टी आता और बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब देखिए, इधर थोड़ा सा दालचीनी लेना है, तेज़पत्ता, ये है आपका ब्लैक पेपर, थोड़ा सा आपका लवंग है और ग्रीन इलायची है। बस इतना खड़ा मसाला इसमें यूज़ करेंगे। अब एक पैन में इधर हम 2 टेबलस्पून करीब ऑयल लिया हूँ। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल आपको यूज़ करना है। अब क्या करना है, वेजिटेबल्स को जो है थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब वेजिटेबल जितना है तो थोड़ा सा तेल गर्म हो जाता है, इसको हल्का सा सौते कर लेंगे, क्योंकि इसको चिकन का साथ ही पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। और थोड़ा सा नमक इसमें भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्का जैसे ही टॉस हो जाए। अभी क्या करना है, वेजिटेबल्स को निकाल लेना है, ओवर नहीं पकाना है, क्योंकि वेजिटेबल का कलर जो है फैड हो जाएगा। इधर मेरा वेजिटेबल टॉच हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में और ऑयल एक्स्ट्रा आपको डालना नहीं है। अब इधर क्या करना है ना, जो खड़ा मसाला है अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे फ्राई हो जाए। अब इधर देखिए, हम एक प्याज का यूज़ किया हूँ। एक प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा साइज में आपको कट कर लेना है, आप देख सकते होंगे इस तरह प्याज को थोड़ा सौटे कर लेंगे। अब क्या हुआ, क्रश किया हुआ जो गार्लिक है अब इसको इसमें ऐड करके थोड़ा सा इसको टॉस कर लेंगे। ज़्यादा आपको टॉस नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा साबुत ऐसे ही रहेगा, इसको ज़्यादा आपको पकाना नहीं है। अब इसमें क्या करना है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसको भी टॉस कर लेंगे अच्छा तरीका से। और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत टेस्टी भी लगेगा खाने के लिए। और थोड़ा सा क्या करना है, आपको हल्दी पाउडर डालना है, नहीं तो जो कलर होगा पूरा वाइट हो जाएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने के बाद में अब क्या करना है, चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। आप चिकन को अच्छा तरीके से थोड़ा मिक्स करेंगे। अब चिकन को कम से कम 5 मिनट तक थोड़ा सा पकाएंगे। अब थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी इधर हम ऐड कर दूंगा। अब इसको अच्छा तरीके से मिक्स करना है। अब सर्दियों का मौसम में ज़रूर ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है और बहुत हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इधर क्या करना है ना, गाजर और आलू जो है इसको ऐड कर देंगे। बीन्स को लास्ट में आपको ऐड करना है, क्योंकि बीन्स ज़्यादा आप पकाएंगे ना, कलर भी फेड हो जाएगा और अच्छा नहीं होगा। अब हम इधर कवर थोड़ा सा देर के लिए लगा दूंगा, कवर थोड़ा लगा दें, चिकन भी आपका थोड़ा जो है अच्छा तरीका से पक जाएगा। अब देखिए, कुछ देर के बाद कवर को आपको हटाना है और इसको अच्छा तरीका से मिक्स कर देंगे। मिक्स थोड़ा करने के बाद
अब इधर थोड़ा क्या करना, दो ग्रीन चिली हम इधर ऐड करूँगा और कुछ इसमें मसाला आपको ऐड करना नहीं है। स्टू में हल्का सा स्पाइसी होना चाहिए, ऑलरेडी इधर ग्रीन चिली है और ब्लैक पेपर होल भी है। अब इधर क्या करना है ना आपको, गर्म पानी इधर हम 1 लीटर करीब इसमें यूज़ किया हूँ। स्टू में आप गर्म पानी डालेंगे ना, स्टू आपको बहुत ही अच्छा पक जाएगा और जल्दी भी आपको पक जाएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा आपका स्टू का जो ग्रेवी होता है, बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अच्छा तरीका से आपको बॉयल हो जाए, इधर देखिए रफली हम धनिया पत्ता काटा हूँ, देखिए पूरा रफली आपको काटना है, ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना है। धनिया पत्ता को इसको डालने के बाद थोड़ा सा हल्का इसमें मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है ना, जो बीन्स था इसको अब ऐड कर देंगे। बीन्स अभी डालेंगे तो क्या होगा, कलर भी आपको देखने के लिए अच्छा लगेगा और खाने का टाइम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखिए थोड़ा सा कवर फिर लगा देंगे आपको, 1 मिनट तक करीब में कवर लगा देंगे तो स्टू आपका जो अच्छा तरीके से पक जाएगा। अब देखिए स्टू बहुत ही अच्छा तरीके से पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा स्पाइसी मसाला हम डालूंगा जो फ्लेवर के लिए, अब वो मसाला थोड़ा डाल देंगे ना आपका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये जो है आपका चिकन गरम मसाला है, ये घर पर बना है, वो गरम मसाला जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर है और बहुत ही टेस्टी है मसाला का जो फ्लेवर है। अब इसको अच्छा तरीके से मिक्स कर देंगे। अब जो है आपका स्टू देखिए बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद रखने के बाद आपको स्टू इस तरह से कलर हो जाएगा। और आलू देखिए कितना अच्छा है और पूरा सॉफ्टली पक चुका है। अब गाजर भी आप देख सक रहे हैं कितना अच्छा पका हुआ। अब सर्दियों का मौसम में रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रेसिपी, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और चिकन देखिए पूरा सॉफ्ट है, अच्छा तरीका से पक चुका है। चिकन स्टू का रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये देखिए स्टू कितना ज़बरदस्त बना हुआ, अब ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमको।